FCRA क्या है? मदर टेरेसा के एनजीओ के खाते फ्रीज होने की क्या है सच्चाई? मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़े पूरे मामले के बारे में जानें। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभासाक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। मदर टेरेसा की संस्था सुर्खियों में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि मदर टेरेसा की बनाई गई संस्था के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ये कार्रवाई केंद्र की ओर से की गई है, लेकिन ममता बनर्जी का दावा देखते ही देखते हवा हवाई साबित हुआ जब गृह मंत्रालय और संस्था की तरफ से खुद ही ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ना तो सस्पेंड किया गया और ना ही रद्द किया गया। ऐसे में आपको बताते कि आखिर मदर टेरेसा के एनजीओ के अकाउंट फ्रीज होने की सच्चाई क्या है, मिशनरी ऑफ चैरिटी का मामला क्या है और विदेशी चंदे से जुड़ा विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम क्या है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर सनसनी फैला दी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह सुनकर हैरान हूं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते को सील कर दिया। उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया। भले कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मिशनरी ने दावे को किया खारिज। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एक बयान में कहा, हम अपने शुभचिंतकों की चिंता की सराहना करते हैं और क्रिसमस और नए साल के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मिशनरी ऑफ चैरिटी का FCRA पंजीकरण ना तो निलंबित किया गया है और ना ही रद्द किया गया है। इसके अलावा हमारे किसी भी बैंक खाते पर कोई रोक नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि हमारे FCRA नवीकरण आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। सरकार का जवाब। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने मिशनरी ऑफ चैरिटी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के FCRA रिन्यूअल के आवेदन से इनकार कर दिया था। पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से ऐसा किया गया। FCRA 2010 और विदेशी योगदान विनियम के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए MOC के FCRA पंजीकरण के नवीकरण के आवेदन को 25 दिसंबर को अस्वीकार कर दिया गया। FCRA पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था और MHA ने मिशनरी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि संगठन ने खुद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने खाते को सस्पेंड करने का अनुरोध भेजा था। नहीं लगी कोई भी रोक, BJP ने साधा निशाना। मिशनरी ऑफ चैरिटी की ओर से कहा गया कि FCRA रजिस्ट्रेशन न तो सस्पेंड किया गया है और न ही रद्द किया गया है। इसके अलावा हमारे किसी भी बैंक खाते पर MHA की तरफ से कोई रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर BJP ममता सरकार पर हमलावर है। BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इतना गलत समाचार डाला। FCRA क्या है? FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है, विदेशी दान को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया। इसे 2010 में संशोधित किया गया जब विदेशी दान को विनियमित करने के लिए कई नए उपायों को अपनाया गया। FCRA उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी चंदा प्राप्त करना चाहते हैं। इन संस्थाओं के जरिए FCRA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शुरुआत में यह पंजीकरण 5 वर्षों के लिए होता है, जिसे सभी मानदंडों को पूरा करने पर रिन्यू करवाए जाने का प्रावधान है। FCRA का इतिहास। समय समय पर भारत सरकार ने देश में विदेशी सहायता के प्रवाह को कंट्रोल और नियमबद्ध करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने घरेलू राजनीति में विदेशी भागीदारी को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशी योगदान विनियम अधिनियम को पारित किया। 2010 में विदेशी निवेश पर कुछ अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 2015 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के एक साल बाद राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देते हुए फोर्ड फाउंडेशन सहित कुछ प्रमुख धार्मिक समूहों पर प्रतिबंध को कड़ा कर दिया। पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने फिर से इस कानून में संशोधन लाकर विदेश से मिल रहे चंदे को और कड़ा कर दिया। मोदी सरकार संसद में नया बिल लेकर आई। भारत सरकार ने एनजीओ की विदेशी फंडिंग को लेकर नियमों में सितंबर 2020 में बदलाव किया। इस बदलाव के तहत संसद में विदेशी अंशदान संशोधन अधिनियम 2020 को पारित किया गया। इस बदलाव के मुताबिक विदेशी अंशदान लेने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में खाता खोलना होगा और सारा विदेशी अंशदान भी यही लेना होगा। नियमों में स्पष्ट किया गया कि किसी भी विदेशी शख्स या स्रोत या फिर भारतीय रुपये में मिले विदेशी दान को भी विदेशी अंशदान माना जाएगा। क्यों FCRA की जरूरत पड़ी? साल 2010 से 2019 के बीच विदेश से आने वाले पैसे की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि जिसके लिए पैसा लिया जा रहा है उस काम में इसे लगाया ही नहीं जा रहा। इसी जाँच के बाद राष्ट्रीय और आर्थिक हितों के लिए FCRA 2020 लाया गया।
सरकार ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने वाले 6 एनजीओ का लाइसेंस भी उस बीते साल निलंबित किया था। इन एनजीओ पर आरोप था कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया। विदेशी चंदा कौन नहीं ले सकता? विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, मीडियाकर्मी, कोई भी विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंध किया गया। हालांकि 2017 में गृह मंत्रालय ने वित्त विधेयक के माध्यम से 1976 FCRA कानून में संशोधन किया, जिससे राजनीतिक दलों के लिए एक विदेशी कंपनी या विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जहां एक भारतीय के पास 50% से अधिक शेयर हो। विदेशी चंदा प्राप्त करने के दूसरे रास्ते। विदेशी योगदान प्राप्त करने का दूसरा तरीका पहले से आवेदन देकर पूर्व अनुमति ली जाए या विशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष डोनर से एक खास राशि की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। लेकिन संस्था को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 जैसे कानूनों के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। इसमें राशि और प्रयोजन की जानकारी विदेशी डोनर को लिखित में देनी होगी। रजिस्ट्रेशन कब निलंबित या रद्द किया जाता है? खातों के निरीक्षण पर और किसी एसोसिएशन के कामकाज के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय की तरफ से FCRA रजिस्ट्रेशन को शुरू में 180 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक एसोसिएशन को कोई नया दान नहीं मिल सकता और गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना नामित बैंक खाते में उपलब्ध राशि के 25% से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय किसी ऐसे संगठन का रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति लेने की सुविधा को 3 साल तक के लिए रद्द कर सकता है। FCRA के तहत एक्शन। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2011 के बाद 20,664 संगठनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। इन पर विदेशी योगदान के दुरुपयोग, अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा न करने और अन्य दोषियों के लिए विदेशी धन को डाइवर्ट करने जैसे उल्लंघनों के तहत कार्रवाई हुई। 22,762 NGO FCRA के तहत पंजीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय दाताओं पर भी नकेल। सरकार ने US स्थित कंपैशन इंटरनेशनल फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी जैसे विदेशी दानदाताओं पर भी नकेल कसी। इन दाताओं को सरकार ने वॉच लिस्ट या प्रायर परमिशन की श्रेणी के तहत रखा है, यानी ये गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना किसी संगठन को पैसा नहीं भेज सकते। मिशनरीज पर आरोप। तकरीबन 2 हफ्ते पहले गुजरात में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए गए थे और मामला दर्ज भी किया गया था। यह मामला गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 के तहत लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि वडोदरा स्थित मिशनरी के एक आश्रम में कम उम्र की लड़कियों को फुसलाकर ईसाई बनाया जाता है। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने इन आरोपों से इनकार किया था। वडोदरा के मकरपुर पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराया गया था। यह FIR जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी और बाल कल्याण कमेटी के अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इन लोगों ने मकरपुर स्थित आश्रम का मुआयना किया था, इसके बाद शिकायत की थी। हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने इन आरोपों से इनकार किया था। तो आज हमने मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अकाउंट फ्रीज होने की सच्चाई और FCRA का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभासाक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभासाक्षी को सब्सक्राइब करें।